गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब इतने भंटास एंड छक्कास होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है करवा चौथ एंड दिवाली पे जो फेस्टिवल आ रहे हैं, अनमेरिड और मैरिड दोनों के लिए ये वीडियो है। तो बहुत सी इसमें डिफरेंट इजी और बहुत प्यारी प्यारी सी हेयर स्टाइल बताई हुई हैं, जो वीडियो है पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसे हेयर स्टाइल और पोजेस मैंने साथ में ही बताए हैं जो काफ़ी अच्छे एंड इजी हैं, जो करवा चौथ पे एंड दिवाली पे बहुत ही यूनिक और शिम लुक लेकर आएंगे। तो हमें पहले तो पफ बनाना है, इसलिए पफ तो सबको बनाना आता है, बट जैसे मैं बना रही हूँ पफ मेकर से बनाऊँगी मैं। पहले के जो आगे के जो बाल थे वो हमें निकाल देने हैं, ताकि जो मैं सेकंड उसमें बताऊंगी हेयर स्टाइल में, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी ना तो फिर सारी हेयर स्टाइल नहीं देख पाएंगे ना। तो बहुत ही मैंने हेयर स्टाइल बताई हुई है डिफरेंट टाइप से, आपको क्लिप यूज़ करनी है और पफ मेकर कैसे यूज़ करना था मैंने बता दिया, फिर बाद में हम आप पफ को सेटअप कर लेंगे। एंड हमारा बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। और हमारी नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो हमने आगे के बाल निकाले हुए थे उनको हम चाहें आप अगर मैरिड हैं, आपको सिंदूर बेस की मांग में अच्छा लगता है तो आप ऐसी बेस की मांग पे भी कर सकते हैं, बट मेरे पे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मैंने बस लाइक डेमो करके बता दिया कि मैं कैसे बना रही हूँ। हल्का सा आपको खींचना है ताकि लुक बहुत ही अच्छा आना चाहिए। जैसे मैं बना रही हूँ आपको वैसे ही करना है, एंड इसके लिए हमें क्लिप की ज़रूरत पड़ गई। आप बेबी पेन भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे भी आपको क्लिप अच्छी लगती हो वैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही प्यारा लुक आया है, तो कैसा लगा आपको लुक और आपका फेवरेट लुक कौन सा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तो ये सेकेंड है और भी हैं, और मुझे वैसे भी पफ बहुत ही प्यारा लगता है और पप से ही मैं सारी हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। अभी हमारी थर्ड है, और क्योंकि मुझे गजरा यूज़ करना है करवा चौथ पे, जो मैरिड वुमेन होती हैं वो गजरा यूज़ करती हैं, तो उनके लिए भी मैंने हेयर स्टाइल बनाई हुई है, और बहुत ही प्यारा लुक आएगा ये। आपको वाल ना मतलब हेयर ओपन ही रखने हैं अभी, और मैंने जूड़ी के साथ भी बताइए डोंट वरी, क्योंकि इसकी वीडियो नहीं करना। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। कब करेंगे आप? जब वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी कर दीजिए, ताकि सारी वीडियो आपके पास पहुँचे। एंड ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा गजरा तो मुझे रियलिटी में बहुत पसंद है, और गजरे से जो हेयर स्टाइल डिफरेंट टाइप की मैंने बताई हुई हैं वो भी बहुत ही यूनिक है। आपने यूट्यूब पे भी नहीं देखी होंगी तो देखिएगा कि कैसी मैंने बताई हुई है। आप पोज भी दे सकते हैं, हाँ मैंने पोज भी कुछ हेयर स्टाइल्स में पोज भी बनाए हुए हैं, और मैं अलग से भी पोजेस वीडियो लेके आऊँगी, और कोशिश करूँगी कि करवा चौथ एंड दिवाली के लिए मैं मेहंदी भी लेके आऊँ, तो डोंट वरी मैं वो भी कोशिश करूँगी। बस आपसे छोटा सा ही तो रिक्वेस्ट होता है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कैसा लग रही हूँ मैं बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, एंड अपना फेवरेट हेयर स्टाइल तो भूलना ही नहीं बताना, क्योंकि मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने जो हेयर स्टाइल्स बताई हैं आपको, उसके लिए ये मैं पोज दे रही थी कि आप पोज कैसे दे सकते हैं। आप ऐसे ही ये लाइक दिस ऐसे भी पोज दे सकते हैं, और अगर आप सर पे चुन्नी डाले होंगे तो बहुत ही यूनिक लगेगा। और हमारी ये नेक्स्ट हेयर स्टाइल हमको क्लिप हेयर में पिन करनी है, और हेयर हमको आगे रखने हैं, और गजरा है उसको ना बालों में थोड़ा सा मतलब लपेटना है। आप चाहें तो इसको गुथ भी सकते हैं, बट मैंने इसको गुथा नहीं। यहाँ पे जो क्लिप थी वो इसमें हम पिनअप कर देंगे करती, और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, कितना प्यारा लुक आ रहा है एकदम प्योर सा। तो ऐसे भी आप पोज ले सकते हैं, लाइक ये पोज था, एंड मैंने बहुत से पोज बताए हैं आपको यू एंड लाइक। हाँ, तो कैसी लगी ये हेयर स्टाइल बताइएगा ज़रूर। हाँ, बहुत ही इजी मैंने बताई है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं
डेली में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बट गजरा डेली में अच्छा नहीं लगता, बट मैरिज में अच्छा लगता है, पार्टी में अच्छा लगता है, और ज़्यादातर फिर करवा चौथ में तो अच्छा ही लगेगा। तो दिवाली भी आ रही है, उस पर आप ट्राई करिएगा, बहुत ही यूनिक लुक आएगा। पटाखा दग रहा है तो उसको ज़्यादा सुनिएगा नहीं। तो ये हमारी नेक्स्ट हेयर स्टाइल, हमको पोनी बनानी है। पहले रबर आप जैसे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, पतली या फिर थोड़ी सी बड़ी, जैसे भी आपको अच्छे लगे, बट मुझे पतली रबर अच्छी लग रही थी तो मैंने यही यूज़ किया। अब हमको जूड़ा बनाना है, हमको जूड़ा वाला मतलब मेकर से नहीं बनाना, बट अपने हिसाब से ही बनाना है। तो मेरे हेयर ऐसे तो रुकेंगे नहीं, मैंने पिन लगाई हुई है, आप भी लगा सकते हैं। और अब हमको ना गजरा नेक्स्ट हमारी हेयर स्टाइल पे, आप चूड़ा भी बना सकते हैं, बट ये हमारी नेक्स्ट जिसमें मैंने गजरा लपेट रही हूँ मैं। गजरा तो फिर बहुत ही प्यारा लुक देता है, आप लोग देख सकते हैं कितना गजब का लुक दे रहा है, वाओ अमेजिंग। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है ये, क्योंकि गजरा ही तो होता है जो एकदम मस्त, क्या बताऊँ, बोलने के लिए भी मेरे पास वर्ड नहीं है कि कितना प्यारा गजरा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे सबसे अच्छी हेयर स्टाइल कौन सी लगी है ये मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं बनाई हुई है। और हाँ, आप ना मैरिड हैं तो साड़ी या फिर चुन्नी जो भी है आप लाइक दिस ऐसे डाल सकते हैं, पीछे से बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है, बहुत ही प्यारा। तो अब हमें मांग टीका लगाना है, मांग टीका तो इसलिए आपको लगाना आता ही है, बट अगर नहीं लगाना आता है ना तो मेरी सिस्टर का चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उन्होंने बहुत तरीके से डिफरेंट तरीके से टीका लगाने का आइडिया बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उनका वीडियो जाके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और पोस्ट जल्दी ही लेके आऊँगी।